नमस्कार, इन्फोबाइट कोचिंग सेंटर की तरफ से मैं अमित कुमार आप सभी लोगों का क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूँ। हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 को कुछ एग्जांपल्स और कुछ क्वेश्चंस को देखा था। अब बाकी क्वेश्चंस आपको होमवर्क दिए गए थे। मैं एग्जाम्पल में से और एक्सरसाइज में से एक एक क्वेश्चन अभी करना चाह रहा हूँ जिसके बारे में हम लोगों ने अपने पिछले ट्यूटोरियल या पिछले लेक्चर में डिस्कस नहीं किया। जो सबसे पहला एग्जाम्पल एनसीईआरटी का मैं उठाना चाह रहा हूँ, ये एग्जाम्पल नंबर 10 है और इसके अंदर आपको दो रैशनल नंबर दिए हुए हैं, 1/7 और 2/7। आपको एक इरैशनल नंबर ढूंढना है इन दो रैशनल नंबर के बीच में। हम जानते हैं कि इरैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो अगर हम 1/7 और 2/7 की बात करें तो 1/7 को अगर यानी 1 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.142857। अगर आप 2/7 को डिवाइड कीजिएगा यानी 2 को 7 से डिवाइड कीजिएगा तो आंसर आएगा 0.285714। अब क्या ये दोनों ही टर्मिनेटिंग है? असल में नहीं, ये एक्चुअली रिपीटिंग डेसिमल्स हैं, यानी कि 1428 1427 1428 1427 के रूप में ये रिपीट होता चला जाएगा। उसी तरह से ये भी 2857 1428 5714 करते हुए रिपीट करते चला जाएगा, यानी ये दोनों फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है यानी रैशनल है। अगर हम इन दोनों के बीच में एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर लिख दें जो 0.14 से बड़ा और 0.28 से छोटा होगा तो डेफिनेटली वो एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर इरैशनल नंबर होगा। देयरफोर 0.15155155555 ... अब अगर आप 0.15 की बात करें डेफिनेटली 1/4 से वो बड़ा है और 0.15 0.28 से छोटा भी है, यानी ये नंबर इन दोनों के बीच में लाइक करता है। दूसरी बात, 0.15 1555 1555, इसमें फाइव नंबर ऑफ फाइव्स अलग अलग है, यानी कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। हैंस 0.15 1555 1555 ... इज एन इरैशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। जो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 का पांचवा क्वेश्चन है। अगर आपको अपना पिछला डिवीजन याद हो जब हमने 1/7 किया था यानी 1 को 7 से डिवाइड किया था तो हमारा डेसिमल नंबर जो रिपीटिंग था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था, वो हर 6 डिजिट के बाद रिपीट हो रहा था। उसी तरह से 2/7 में भी हर 6 डिजिट के बाद वो रिपीट हो रहा था। जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होते हैं वो हमारे डिनोमिनेटर से एक कम नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद रिपीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/17 की अगर हम बात करें तो एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा और ये 16 डिजिट के बाद रिपीट करेगा। इस क्वेश्चन में हमको सबसे पहले तो ये बताना है कि दिया गया नंबर का डेसिमल कितने डिजिट्स पर रिपीट करेगा, और दूसरी बात हमको ये बतानी है कि एक्चुअली दूसरी बात हमको ये प्रूफ करनी है कि हाँ ये उतने डिजिट्स के बाद ही रिपीट कर रहा है या नहीं, और प्रूफ करने के लिए हम डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो डेफिनेटली क्योंकि ये 1/17 है, सो 1/17 विल हैव 16 डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक। सो रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट्स होंगे? 16 डिजिट्स, एज 16 इज 1 लेस देन 17। अब अगर ये 16 डिजिट्स के बाद रिपीट करेगा तो इसको हमको प्रूफ करना होगा एक्चुअली डिवाइड करके।
तो हमने डिवाइड यहाँ पे कर लिया है। जैसे कि अगर हम 1 को 17 से डिवाइड करेंगे, सो देखिए डिवाइड करने के बाद जो आपका क्वेश्चन आ रहा है, अगर आप इसे काउंट करें तो ये 16 डिजिट्स होगा। पूरे डिवीजन को परफॉर्म करने के बाद फिर से 1 आ जा रहा है, यानी फिर से जहाँ से हमने शुरू किया था वही सारे क्वेश्चन हमको दोबारा मिलेंगे, यानी 16 डिजिट्स के बाद ये फिर से रिपीट होने लगेगा। हेंस 1/16, 16 डिजिट्स के बाद रिपीट करेगा, और हमने उसको डिवाइड करके भी प्रूफ कर दिया। एनसीईआरटी के इस चैप्टर में जो आगे के काम हमको करने हैं, जो आगे के ऑपरेशंस हमको परफॉर्म करने हैं, जो आगे के टॉपिक्स हमको देखने हैं, उसमें जो जस्ट नेक्स्ट टॉपिक है वो है रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अब अगर रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन में हमको रिप्रेजेंट करना है, तो एनसीईआरटी में जो अगला टॉपिक हम लोगों को देखना है वो है रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। हमने देखा कि रियल नंबर्स रैशनल इरैशनल दोनों होते हैं, और इरैशनल नंबर को भी हम लोगों ने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया, रैशनल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को भी हम लोगों ने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया। अगर इस तरह के रैशनल नंबर्स हमारे सामने आए तो हम उनको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल 3.765 को अगर नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना हो, या 4.26 जो कि एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जिस प्रोसेस द्वारा ये काम करते हैं उसे हम कहते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन यानी हम मैग्नीफाई करते हुए नंबर लाइन में आगे की ओर बढ़ेंगे। इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम दो एग्जाम्पल लेते हैं और फिर इसी को सॉल्व करते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें 3.432 को नंबर लाइन पे विजुअलाइज करना है, वो भी सक्सेसिव मैग्निफिकेशन द्वारा। अब हम लोग ये बात जानते हैं, अगर आपने नंबर लाइन ध्यान से देखी होगी और दो नंबर हैं 1 और 2, तो इनके बीच के नंबर्स आप किस तरह से लिखते हैं? 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 एंड 2.0, यानी 1 और 2 के बीच में आप इस तरह से उनको मैग्नीफाई करते हैं, जो 1.1 से लेकर 1.9 तक जाता है। इसी तरह से 3 और 4 के बीच में आप देखेंगे तो 3.1 से लेकर 3.9 तक जाएगा। हम लोग इसी तरह से इसको मैग्नीफाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर 3.432 की अगर आप बात करें, तो डेफिनेटली सबसे पहले आपको 3.4 के पास जाना होगा। सो हम नंबर लाइन पर 3 और 4 के बीच में आराम से ढूंढ सकते हैं 3.4। सो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5। सो 3.4 और 3.5 के बीच में होगा 3.432। तो आप इसको मैग्नीफाई करके देखेंगे, सो हम लोग अब 3.4 और 3.5 के बीच में 10 लाइंस खींचेंगे। सो ये क्या होगा? 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45 एंड उसी हिसाब से 3.46, 47, 48, 49 एंड 3.5। हमको जो नंबर रिप्रेजेंट करना है वो है 3.432, यानी कि ये 3.43 और 3.44 के बीच में होगा। अगर ये 3.41 है, 42 है, 43, सो ये हो गया 3.43 एंड 3.44। हम इन दोनों के बीच को मैग्नीफाई करेंगे, यानी 3.43 एंड 3.44 को, ये होगा 3.43 एंड 3.44 को, ये होगा 3.431, 432, और यही नंबर हमको चाहिए था, तो ये प्लेस है 3.432। इस तरह से जब आप एक नंबर लाइन को मैग्नीफाई करते करते एक ऐसे लेवल पे पहुंचते हो जब आपको वही नंबर मिलता है जो आपको चाहिए, उसी को हम सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन कहते हैं। हालांकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आपके समझने के लिए ज़रूरी है, ताकि आप नंबर्स को आसानी से पता लगा सको कि कौन सा नंबर किस नंबर के बीच में, किन नंबरों के बीच में है, सिर्फ उसको देख करके ही। इसके ऊपर एक क्वेश्चन और हम करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हमको 5.37 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 7 के ऊपर बार है, यानी वो रिपीटिंग है, और इसीलिए इसमें आपको 5 डेसिमल प्लेस तक ही रिप्रेजेंट करना है, ये बता रखा है।
जब कभी भी आपको इस तरह से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स मिलेंगे तो आपको नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस बता दिए जाएंगे। तो इसको करते हैं, हमको 5 डेसिमल प्लेस तक करना है, तो ये हो जाएगा 5.37777। मैं इसकी मैग्निफिकेशन करके आपको दिखा रहा हूँ। सो यहाँ पे मैंने सक्सेसिव मैग्निफिकेशन की है, मैं समझा दे रहा हूँ इसको एक बार। हम लोग 5 और 6 के बीच में पाएंगे 5.3, तो सबसे पहले हमने वहाँ पर 5.3 और 5.4 के बीच में मैग्निफिकेशन किया। इसके बीच में हमको मिलेगा 5.37, फिर 5.37 और 3.8 के बीच में हम लोगों ने मैग्निफिकेशन किया, तो हमको मिलेगा 5.371372, लाइक डैट 5.377। इस तरह से आप मैग्निफिकेशन सक्सेसिवली करते चले जाएंगे तो आपको एक लेवल के बाद 5.3 and 4 times 7 मिल जाएगा। यही सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का तरीका है। हम लोगों ने पहले भी मैथ्स में एडिशन मल्टीप्लिकेशन के ऊपर कई सारे लॉज किए हैं, जैसे कि कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फॉर एग्जाम्पल, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये एक कॉम्यूटेटिव लॉ है। ए प्लस बी का सम सी में ऐड करें और बी प्लस सी का सम ए में ऐड करें तो वो आपस में बराबर होता है, ये एसोसिएटिव लॉ है। सो हम लोगों ने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के ऊपर ऐसे बहुत सारे लॉज पढ़े हैं। इरेशनल नंबर पर ये सारे लॉज सपोर्ट भी करते हैं, मगर इरेशनल नंबर के साथ काम करते वक्त कुछ बातों का ज़रूर ध्यान देना होता है। जैसे कि द सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल, यानी एक रैशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर के साथ जोड़ा या घटाया जाए तो जो रिजल्ट आता है वो एक इरेशनल नंबर होता है। द प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल, अगर जीरो को छोड़कर किसी भी दूसरे रैशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो फाइनल रिजल्ट इरेशनल ही होता है। इन दोनों का एग्जाम्पल है 2+√3, जहां 2 रैशनल है, रूट 3 इरेशनल, तो 2+√3 इरेशनल ही है। रूट 3 इंटू 2 और 2 इंटू रूट 3, 2 फिर से रैशनल, रूट 3 फिर से इरेशनल है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी इरेशनल ही होगा। हमने यहां पर नॉन जीरो रैशनल नंबर इसलिए कहा है क्योंकि हम जानते हैं जीरो को किसी के साथ मल्टीप्लाई करने पर फाइनल रिजल्ट जीरो ही होता है। और सबसे आखिरी पॉइंट, इफ वी एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल्स द रिजल्ट मे बी रैशनल और इरेशनल। अगर हम दो इरेशनल नंबर को, दोनों इरेशनल नंबर को एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो फाइनल रिजल्ट रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये लॉज हैं, इन लॉज को आप याद रखिएगा और इसका इस्तेमाल 9th और आने वाली क्लास 10th में भी बहुत होने वाला है, तो प्लीज़ इन लॉज को आप याद रखिए। अगला जो क्वेश्चन है वो कंस्ट्रक्शन के द्वारा हमको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर √3.5। अगेन हमको एक इरेशनल नंबर मिल रहा है और इस इरेशनल नंबर को हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। हालांकि इस बार हम लोग अपना पुराना पाइथागोरस थ्योरम अप्रोच नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर जो नंबर हमको रिप्रेजेंट करना है वो डेसिमल पॉइंट के साथ है और हमारे पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग डेसिमल पॉइंट वाले हाइपोटेन्यूज को नहीं खोज सकते। तो इसको करने का एक दूसरा सरल तरीका है, वो वाया कंस्ट्रक्शन है। चलिए देखते हैं। कंस्ट्रक्शन से √3.5 को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए जिसकी लेंथ 3.5 यूनिट हो। सपोज ये लाइन आप ए पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हैं बी पॉइंट तक, सो हमने ए बी एक ड्रॉ किया जिसकी लेंथ 3.5 यूनिट है। यहाँ पे मैं सेंटीमीटर या कोई और यूनिट नहीं लिखूंगा, मुझे 3.5 की वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है, लेंथ नहीं। सो हम जितनी वैल्यू को या जिस नंबर को हमको रिप्रेजेंट करना होगा नंबर लाइन पर, हम सबसे पहले उतने की ही लेंथ को ड्रॉ कर देंगे और फिर वहाँ से एक यूनिट लेंथ और एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि
एसी की लेंथ है 4.5 यूनिट। अब हम अपने इस एसी लेंथ की मिड पॉइंट को खोजेंगे, एसी के मिड पॉइंट को। ओके, अब वैसे तो 4.5 को आप 2 से डिवाइड करके भी मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, बट क्योंकि हम काम कंस्ट्रक्शन से कर रहे हैं तो हम लोग इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। बहुत सिंपल सा तरीका है, मेरे पास अभी कंपास नहीं है, मगर आप कंपास का इस्तेमाल करके इस काम को कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। आप कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। कंपास लेकर आप सबसे पहले हाफ से ज़्यादा का रेडियस लेकर एक कट मार्क ऊपर और एक कट मार्क नीचे लगाएंगे। उतने ही रेडियस को रख ले करके पहले आपने ए पर रखकर ऊपर नीचे कट मार्क लगाया था, अब सी पर रखकर ऊपर नीचे कट मार्क लगाएंगे। ये दोनों आर्क के रूप में ऊपर नीचे कट हो जाएंगे। फिर यहाँ से इन दोनों आर्क को ज्वाइन करते हुए जो आप लाइन ड्रॉ करेंगे वो एसी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी, और वो एसी को जहाँ टच करते जाएगी वो एसी का मिड पॉइंट होगा। इस मिड पॉइंट को मान लेते हैं ओ। अब आप ओ ए या ओ सी की लेंथ को लेकर के, यानी ओ ए या ओ सी के रेडियस को लेकर के एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। आप भूल ना जाए इसलिए अब तक की प्रोसेस को मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। हमको जो नंबर √3.5, √4.5, √5.5, जो भी इरेशनल नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट है रिप्रेजेंट करना हो अगर नंबर लाइन पर, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम उतने ही लेंथ को ड्रॉ कर देंगे, उतने ही लेंथ की यूनिट को ड्रॉ कर देंगे। जैसे 3.5 है तो 3.5 यूनिट की लेंथ की लाइन ड्रॉ कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल ए बी। फिर उससे एक यूनिट एक्स्ट्रा हम लेंगे बी से सी तक फिलहाल यहाँ के लिए, और फिर ए से सी तक यानी जिसको हमको ड्रॉ करना था उससे एक यूनिट ज़्यादा यानी 3.5 को ड्रॉ करना था, तो 4.5 का मिड पॉइंट आप खोजेंगे। उसके लिए आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। एक बार मिड पॉइंट मिल जाए सो ओ ए या ओ सी दोनों में से किसी को भी रेडियस लेकर के आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे ए सी को ज्वाइन करते हुए। अब लगभग हम अपने एंड पॉइंट पे आ चुके हैं। अब हम बी से एक 90 डिग्री या एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कंपास से ही, जो इस सेमी सर्कल को एक पॉइंट पे कट करेगा। जिस पॉइंट पे वो कट करेगा वही पॉइंट को आप डी लिख लीजिए। ये बी डी एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है √3.5। आप चाहें तो इसी रेडियस को लेकर के यहाँ पर एक कट मार्क लगा लीजिए, एंड अगर बी जीरो है, ओरिजिन है, तो ये पॉइंट होगा √3.5। सो आई होप अब आप एक रियल नंबर, या आप ऐसा कहिए एक डेसिमल पॉइंट वाले इरेशनल नंबर को आप आसानी के साथ नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एनसीईआरटी में हमको इसके बाद पॉजिटिव रियल नंबर्स के ऊपर कुछ लॉज, कुछ रूल्स दिए हुए हैं जिनको हमको हमेशा फॉलो करना होगा। आप देखेंगे ये सारे सर्ट या फिर सबके बारे में कहें तो सब पर अंडर रूट है, और उसी के साथ इन्होंने इनके रूल्स बताए हैं, बट ये नॉर्मल बेसिक एलजेब्रिक रूल्स हैं जो आप इससे पहले भी पढ़ते आए हैं। फॉर एग्जांपल ये कह रहा है अंडर रूट ए बी अगर आपके पास है, यानी दो टर्म्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उन दोनों के ऊपर रूट है, तो आप इस रूट को दोनों को अलग अलग बांट सकते हैं आपस में मल्टीप्लाई करते हुए। यानी अंडर रूट ए बी कैन बी रिटन एज अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। उसी तरह से डिवाइड अगर अलग अलग है, डिवाइड एक साथ दिया हुआ है, तो आप उसको अलग अलग भी कर सकते हो। जैसे अंडर रूट ए डिवाइडेड बाई बी को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट बी। रूट ए प्लस रूट बी और रूट ए माइनस रूट बी, अगर आप इसको देखो तो ये आपका नॉर्मल एलजेब्रिक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी आंसर कैसे आया, ए माइनस बी आंसर की वजह है ये रूट। अगर आप इसको समझना चाहें तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। फॉर्मूला के हिसाब से चले तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर यानी रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। अब स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आएगा ए माइनस बी, और यही हमारा लॉ भी था।
सो आप सिंपल नॉर्मल लॉज यहां पर लगाएंगे तो इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं। ऐसे हमको कुछ लॉज और भी दिए हैं, आप चाहो तो इनको खुद प्रूफ करके कोशिश कर सकते हो। जैसे ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी, फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा है, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी क्यों है, क्योंकि बी रूट में है और ए रूट में नहीं है। ए रूट में नहीं है तो ए स्क्वायर है, बी रूट में है तो रूट बी का स्क्वायर से रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और सिंपल बी बचेगा। सो आप इनको गो थ्रू कर सकते हो। जो लास्ट वाला रूल दिया हुआ है रूट ए प्लस रूट बी रूट सी प्लस रूट डी, तो इसमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही हुआ है। जैसे रूट ए पहले रूट सी के साथ मल्टीप्लाई हुआ सो रूट ए सी, रूट ए फिर रूट डी के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो रूट ए डी, अब रूट बी रूट सी के साथ मल्टीप्लाई हुआ रूट बी सी, फिर रूट बी रूट डी के साथ मल्टीप्लाई हुआ रूट बी डी। सो ये आपके नॉर्मल लॉज हैं। इन लॉज का इस्तेमाल आप अब ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए करेंगे इन रियल नंबर्स के साथ। इसको समझने के लिए हम तीन एग्जाम्पल लेकर के इनको सॉल्व करते हैं। जो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है उसमें दो रियल नंबर्स इस तरह से दिए हुए हैं, हमको उनको आपस में ऐड करना है, दूसरे वाले में आपको डिवाइड करना है। बच्चे अक्सर इन रूट्स को देख करके घबराते हैं और फिर गलतियां करते हैं। मैं आपको बस इतना कहना चाह रहा हूं, आप इनको नॉर्मल एक्स और वाई वेरिएबल अज्यूम करते हुए भी कीजिए तो बड़ी आसानी के साथ ये सॉल्व हो जाएगा। बस शुरुआत में कुछ दिन ये आपसे प्रैक्टिस मांगेगा, उसके बाद ये क्वेश्चंस बहुत ईजिली आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए इन क्वेश्चंस को देखते हैं। अब जैसे ये एग्जाम्पल 13 है एनसीईआरटी का, इसमें आपको दिया है 2√2 प्लस 5√3 को ऐड करना है √2 माइनस 3√3 के साथ। सो 2√2 प्लस 5√3 को ऐड करना है, तो आप यहाँ पे प्लस का सिंबल लगा दीजिए √2 माइनस 3√3 के साथ। मैं अक्सर बच्चों को बोलता हूँ कि आप इनको x और y अज्यूम करके कर सकते हैं। जैसे √2 को अगर आप x मान लें और √3 को y मान लें तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5y प्लस एक्स माइनस 3y। आप उस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, मगर ये तरीका स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, ये आपके समझने के लिए है। अगर इस तरीके से आप एग्जाम में लिखोगे तो नंबर कटेंगे। दूसरा तरीका क्या है, कॉमन लेने का तरीका। सिमिलर टर्म्स को साथ में रखो और कॉमन ले लो। तो चलिए वही काम करते हैं। 2√2 ब्रैकेट पहले ओपन करेंगे प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3। हम √2 वाले टर्म्स को आप साथ में लिख दीजिए, √3 वाले टर्म्स को साथ में लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस √2 प्लस 5√3 माइनस 3√3। इन दोनों में आप √2 कॉमन ले सकते हो तो बचेगा 2 प्लस 1। इन दोनों में आप √3 कॉमन ले सकते हो तो बचेगा 5 माइनस 3। अगर आप 2 प्लस 1 करो तो क्या आएगा, 3। 3 इंटू √2 इज 3√2। 5 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा, 2। 2 इंटू √3 इज 2√3 और सिंबल बीच में प्लस का है। सो वापस मैं आपको बता दूं, आप पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, सिंपल एडिशन है। सिमिलर टर्म्स को आप साथ में लिख देंगे, फिर उन दोनों में जो कॉमन है उसको बाहर लिख देंगे। जैसे √2 कॉमन है बाहर आ गया, अंदर बचा 2 प्लस 1। इधर √3 कॉमन है बाहर आ गया, अंदर बचा 5 माइनस 3। साइन का जरूर ध्यान दीजिएगा। फिर ब्रैकेट के अंदर को आप ऑपरेट कीजिए और उसको फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड आपको आपका आंसर मिल जाएगा। जो दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है वहां पे आपको डिवाइड परफॉर्म करना है। ये क्वेश्चन कह रहा है 8√15 डिवाइडेड बाई 2√3। अभी हम लोगों ने कुछ लॉस पढ़े थे, उसी लॉ को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसे रूट 15 है, 15 के हम प्राइम फैक्टर्स लिख दें तो वो हो जाएगा अंडर रूट 5 इंटू 3 अपॉन 2√3। और अभी आपको याद होगा लिखा हुआ था अंडर रूट ए इंटू बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, यानी इस 5 इंटू 3 को हम अलग अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा 8√5 इंटू √3। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये लॉ बताया आपको, डिवाइडेड बाई 2√3। ऑफकोर्स √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आएगा आपका 4√5। सो, अगर आपको लगे आपका आंसर गलत है या सही है, आपको चेक करना हो इस बारे में, तो जो भी आपका आंसर आया इसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, न्यूमरेटर आना चाहिए। सो 4√5 इंटू 2√3, सो 4 2 8, √5 इंटू √3 15। हेंस हमने जो ऑपरेशन किया है वो सही है और रिजल्ट है
4√5। सिंप्लीफाई के बेसिस पे, सिंप्लीफाई के ऊपर भी क्वेश्चन उठते हैं उन्हीं लॉस के ऊपर। जैसे अभी हमको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, फिलहाल देख रहे हैं कि ये दोनों ही टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप पहले सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद अगर इनको और छोटे फॉर्म में किया जा सकता है तो किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 5 पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा सो 10, 5 फिर √5 से मल्टीप्लाई होगा 5√5, फिर 2√7 से मल्टीप्लाई होगा 2√7, एंड फिर ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए होंगे √35। आप चाहें तो इसमें एक काम और किया जा सकता है, बट उसके बाद भी कुछ खास अंतर आएगा नहीं। तो सिंप्लीफिकेशन में इससे सिंपलेस्ट फॉर्म आप और इसका नहीं लिख सकते। ओके, चलिए एक चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं, √35 को आप √7 और √5 के रूप में लिख सकते हैं, तो शायद ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाए। बट वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आएगा, वो वापस इस तरह के ब्रैकेट्स में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ही है, दैट्स इट। तो हमने बस एक एक करके उसको मल्टीप्लाई किया। इसके बाद अगर हमको ये रूट वाले सेम मिलते तो भले ही हम उनका ऐड या सब्ट्रैक्ट करके और सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते थे, मगर ये फिलहाल अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, इससे और ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म इसका नहीं किया जा सकता। सो हमने लॉस देखे रियल नंबर्स के ऊपर, हमने सिंप्लीफाई किया, हमने उसके ऊपर एडिशन डिवीजन परफॉर्म किया। अब एक बात यहाँ पे बोली जा रही है कि जब किसी एक्सप्रेशन का टर्म डिनोमिनेटर, खास तौर पे तो जब किसी एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर टर्म स्क्वायर रूट के फॉर्म में हो, वो भी इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट, तो वो इरैशनल फॉर्म कहलाता है। यानी कि कभी भी किसी पी बाई क्यू फॉर्म में, कभी भी किसी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले एक्सप्रेशन में आप इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट्स यानी इरैशनल नंबर्स को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ सकते। अगर आप ऐसा छोड़ते हैं तो वो आंसर करेक्ट नहीं माना जाता, अप टू द मार्क नहीं माना जाता, और आपको फिर उसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखना पड़ता है। और इक्विवेलेंट रैशनलाइज करने के लिए आपके उसके डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर जो इरैशनल था, उस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 1/√2 की बात करें तो √2 इरैशनल है, डिनोमिनेटर में है, हमको इसको रैशनलाइज करना है। 1/2+√3 की बात करें तो यहाँ पे भी वही केस है, ये इरैशनल है डिनोमिनेटर और हमको इसको रैशनलाइज करना है। इन दोनों तरह के क्वेश्चन के एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे कि ऐसे नंबर्स को कैसे रैशनलाइज किया जाता है। रैशनलाइज करना बहुत ही सिंपल है, दो ही तरह के नंबर्स आते हैं जिनमें रैशनलाइज करना होता है। जैसे कि ये पहला है जिसमें सिंपली आपको वो इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट दिया हुआ है, राइट ये कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमने दो ले लिया यहाँ पे 1/√2 या 1/√3, ऐसे केसेस बहुत सिंपल है। आप इसी डिनोमिनेटर को फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो आपको आंसर मिलेगा √2, ऊपर √2 × 1 यानी √2, और नीचे √2 × √2 यानी √2² यानी कि 2। आप देखिए अब आपका डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया। इसी तरह से इसको करना हो तो मल्टीप्लाइड बाय √3/√3 और आंसर आएगा √3/3। सो अगर सिंगल इरैशनल नंबर है √2, √3, √5, सो आप डायरेक्टली उसी को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। मगर जब आप रैशनलाइज कर रहे हैं वहाँ पे सिंगल इरैशनल नंबर ना हो, बल्कि रैशनल और इरैशनल का एक ऑपरेशन हो, लाइक 1/2+√3, तब इसको रैशनलाइज करने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। फॉर एग्जांपल इसको अगर रैशनलाइज करना है, 1/2+√3 को रैशनलाइज करना है, तो आप डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे मगर साइन चेंज कर देंगे। फॉर एग्जांपल 2+√3 है तो मैं 2-√3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि डिनोमिनेटर में a+b और a-b मल्टीप्लाई हो आपस में, और a²-b² का फॉर्मूला लग जाए, एंड b जब स्क्वायर में आएगा तो रूट ऑटोमेटिकली हट जाएगा। ठीक है, तो आप बस यहाँ पे साइन को चेंज करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर ये 3-√5 होता तो हम 3+√5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते। अब 2-√3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2-√3 ही आएगा, एंड नीचे a²-b² 2² यानी 4, √3² यानी 3, 4-3 यानी 1, सो ये आ गया 2-√3/1 या फिर सिर्फ 2-√3। ये दूसरा तरीका है जिससे, या ये दूसरे तरीका नंबर है
इस तरह के नंबर को करने के लिए हम इसी तरीके को इस्तेमाल में लाते हैं, जहाँ डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई तो करते हैं बट बीच के साइन को चेंज कर देते हैं ताकि डिनोमिनेटर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ जाए। एनसीईआरटी में जो आखिरी चीज़ है, आखिरी टॉपिक है, वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। आप लोगों ने पिछली क्लास में भी, एट्थ क्लास में भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को पढ़ा है। मैं एक बार एक क्विक ग्लिम्प्स दे रहा हूँ। इन सभी में जो भी आप फॉर्मूला देख रहे हैं, ए बेस है, एम और एन उसके एक्सपोनेंट यानी पावर हैं। तो ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन। सो आप जिनमें देखेंगे बेस सेम है, पावर अलग, और आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऐड हो जाएगा पावर। बेस सेम है, पावर अलग, और डिवाइड हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा पावर। अगर पावर सेम है, बेस अलग, मल्टीप्लाई हो रहा है तो बेस को मल्टीप्लाई करके वही पावर कर दीजिए, राइट। सो इस तरह से आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे पहले भी काम कर चुके हैं। दो लॉ शायद आपने पहले ना पढ़े हों। पहला, किसी भी नंबर का पावर अगर जीरो है तो उसकी वैल्यू वन होती है, और दूसरा, किसी भी नंबर का पावर अगर नेगेटिव है तो अगर हम उसको रेसिप्रोकल कर दें, यानी कि टू टू द पावर ऑफ माइनस थ्री है, अगर मैं उसे 1/2 कर दूं तो 2 की पावर माइनस 3 ऑटोमेटिकली प्लस 3 हो जाएगी। अब इसी का इस्तेमाल करके हमको सिंप्लीफाई करना है। दो क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने उठाया, ये सीरियसली सिंपल है। 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3, बेस सेम है, पावर अलग और मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम पावर ऐड कर देंगे प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3/3 यानी 2 की पावर 1, यानी आंसर आएगा 2। दूसरा अगर आप देखें तो वह 13 की पावर 1/5 इंटू 17 की पावर 1/5, तो आप देखिए बेस अलग है, पावर सेम है, तो 13 इंटू 17 की पावर 1/5 इसका आंसर होगा। आप मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दीजिए। तो इन लॉस के ऊपर आपका ये एक्सरसाइज भी है। सो नाउ एक्सरसाइज 1.4, उसके दो ही क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। एक्सरसाइज 1.5 और एक्सरसाइज 1.6 आपका होमवर्क है, और इसी के साथ आपके एनसीईआरटी का पहला चैप्टर की एक्सरसाइजेस कंप्लीट होती हैं। थैंक यू।